नमस्कार, आदाब। न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव, भारत के पहले सोलर बिजली गांव में बिजली स्टेशन ही बंद पड़ा है। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 54,044 नए मामलों के साथ 717 मरीजों की मौत। और साथ ही चर्चा करेंगे बढ़ते और घटते कोरोना संक्रमण पर भी। आखिर में बिहार चुनाव, अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों के जीवन में आखिर कब आएगी सुगंध? सौर ऊर्जा जैसा कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। उक्त बात बिहार के किसान उमेश सिंह ने कही है। वे अपने गांव धरनई की सौर ऊर्जा के प्रति कतई भी आशान्वित नहीं है। ये वह गांव है जो देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव बना था, लेकिन अब सौर ऊर्जा से चलने वाले गाँव का टैग सिर्फ कागज़ों पर रह गया है। वर्तमान में गांव के अधिकांश घर रोशनी और अन्य उद्देश्यों के लिए सामान्य बिजली ग्रिड से जुड़े हुए हैं। 2014 जुलाई में शुरू होने के बाद से ही हम सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर बहुत खुश थे। ये गांव के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले 3 दशकों से यहां व्याप्त अंधकार को इसने समाप्त कर दिया था। शुरुआती वर्षों में इसने काम तो किया, लेकिन 2 साल बाद निराशा हाथ लगने लगी। पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सौर माइक्रोग्रिड पावर स्टेशन बंद पड़ा है। उक्त बातें उमेश ने कही हैं, जो 60 दशक की शुरुआत से ही धरनई के निवासी हैं। एक अन्य निवासी रविंद्र कुमार उर्फ नारायण जी धरनई में अपने घर के बाहर बैठे एक साथी के साथ कहते हैं कि सौर माइक्रोग्रिड पावर स्टेशन को केवल एक शो पीस यानी दिखावे की तरह बनाकर रख दिया गया है। इसकी बैटरी लाइफ खत्म हो गई है और सारा सामान भी बेकार हो गया है। आज के समय में गाँव में एक भी घर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सौर माइक्रोग्रिड पावर स्टेशन को की बैटरी जो है वो खत्म हो गई है। बैटरी का जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन इसे बदला नहीं गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 54,044 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 717 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 61,775 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है और कुल सक्रिय मामलों में 8,448 मामले कम हुए हैं। देश भर में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 76,51,107 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,15,914 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार रिकवरी रेट में आज 0.18% की बढ़ोतरी के साथ रिकवरी रेट 88.81% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 67,95,103 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इसी के साथ देश भर में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,40,090 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 9,72,379 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 10,83,608 सैंपल्स की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। इस अंक में प्रवीण नज़र डाल रहे हैं कोरोना संक्रमण और दुनिया भर में उसके मौजूदा हालात पर। वे बता रहे हैं कि किस प्रकार देश के उनके हिस्से में कोरोना का संक्रमण बढ़ और घट रहा है। साथ ही एक नज़र है वैक्सीन के मौजूदा हालात पर भी। अगर हम समझें कि एक बार कम होने से शायद ये कम की तरह ही जाएगा, ऐसा नहीं है। ये घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। यही इस एपिडेमिक महामारी का स्वरूप है। इसका मतलब कुछ जगहों पे फैल जाता है तो लोग सावधान हो जाते हैं, कम एक दूसरे से मिलते हैं, जो बीमार हैं उनको समझ लेते हैं कि अच्छा ये लोग बीमार है तो उसके कांटेक्ट ट्रेसिंग करके कंट्रोल कर लेते हैं, पर दूसरे जगह पर फैलने का संभावना हमेशा रहता है। और इसीलिए अगर मुल्कों की हम देखें, चार्ट्स देखें, जो COVID-19 की चार्ट्स हम आपको दिखाते हैं, उस पर देखेंगे देशों की अगर स्थिति देखें तो बहुत सारे ऐसे देश है जिसकी संख्या बढ़ता घटता नजर आएगा। देखिए हम एक्टिव केसेस की चार्ट दिखाते हैं आपको। इस पे आप देखेंगे कि अमेरिका में पहले बढ़ा, इसके बाद थोड़ा सा घटा था, फिर जो है बढ़ रहा है, फिर थोड़ी सी कम है। न्यू केसेस की शायद चार्ट से और भी साफ हो जाएगा ये चीज। न्यू केसेस पे देखिएगा आप, पहले बढ़ा था काफी, 31,000 गया, नए केस आ रहे थे पर डे, इसके बाद 20,000 पे नीचे आ गए, इसके बाद करीब 78,000 तक वो अमेरिका में फिगर गया था नए केसेस की, इसके बाद फिर घटा 34,000 के लगभग, अब फिर जो है बढ़ रहा है तो वो 56,000 के लगभग है। पर हो सकता है कि ये भी
कुछ दिन बाद फिर घट जाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये घटता ही रहेगा। हिंदुस्तान की जो चार्ट है, ग्राफ है, ये कुछ अलग रहा है। हमारा चार्ट लगातार बढ़ता जा रहा था, इसके बाद घटना शुरू हुआ है, पर इसका मतलब नहीं है कि ये फिर अमेरिका की तरह कुछ दिन बाद नहीं बढ़ेगा। हम दिल्ली में देख चुके हैं, दिल्ली शहर में हम देख चुके हैं कि संख्या काफी बढ़ा पहले, इसके बाद घटा, इसके बाद फिर बढ़ा। तो ये जो फिगर्स है, ये देखिए नए केसेस की फिगर्स देखते हैं, उसे ये चीज थोड़ी सी ज्यादा जल्दी साफ हो जाएगा। अब देखेंगे, ये देखिए पुणे है, बढ़ा घटा फिर बढ़ा फिर घट रहा है। दिल्ली का देखें, बीच में काफी घट गया था, इसके बाद फिर बढ़ गया है, फिर घट रहा है, हो सकता फिर बढ़े। तो इसीलिए अगर हम समझें कि महामारी एक बार घटना शुरू हो जाता तो घटता ही रहेगा, ऐसा नहीं है, साफ है दूसरे मुल्कों से और हमारे खुद देशों, हमारे खुद की मुल्क में शहरों की और स्टेट्स की हालात देखते हुए ये बढ़ता घटता जाएगा। इसीलिए जो आज अखबार में सरकारी सूत्रों से कहा गया है कि ये आसार ये है, आशा ये है कि जनवरी फरवरी तक एकदम घट जाएगा, इसका कोई बेसिस नहीं है। कम से कम आज घट रहा है, इससे साबित नहीं होता ये घटता ही रहेगा। तो ये तो रही महामारी की जो डायनामिक्स है उसकी बात, और ये इसीलिए है कि अभी भी जितने प्रतिशत लोग को हर्ड इम्यूनिटी होने के लिए इन्फेक्टेड होना चाहिए, उससे काफी कम फिगर्स है। आपके शरीर में एंटीबॉडीज है, कोविड 19 की इन्फेक्शन अगर होगा तो उससे आप जूझ सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में इसकी एंटीबॉडीज है। तो ये एंटीबॉडीज कितने लोगों में होनी चाहिए जिससे हम कह सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी, एक करीब 60% लोगों के पास अगर होता है, 60 से 70%, तब हम कह सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी है, तो इसीलिए बीमारी रुक जाएगी। पर इस वक्त अगर फिगर्स देखें तो सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड जगहों है, वहां की जो सेरो सर्वे, जो खून की सर्वे से एंटीबॉडी हम निकालते हैं, उससे जो हमने देखा है कि 30% से ज्यादा इस तरह से बहुत कम जगहों पे ऐसा है। आमतौर भारतवर्ष के तौर पे अगर हम ले एवरेज करें तो सेरो सर्वे से 5 से 6% से ज्यादा लोग इस वक्त इसमें इन्फेक्टेड या इनके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है। इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी से हम बहुत दूर हैं, और इसीलिए उतार चढ़ाव फिगर्स की होती रहेगी। एक जगह बीमारी कंट्रोल में आएगी तो शायद और एक जगह शुरू हो जाएगी। और हमारी जो स्टेट्स की चार्ट है उस पर आप देखेंगे, हम पहले भी दिखा चुके हैं स्टेट्स की चार्ट, उस पर आप देखेंगे कि जो केसेस है, टोटल केसेस है, अगर हम टोटल केसेस की फिगर्स देखते हैं ऑल इंडिया लेवल पे स्टेट्स में, देखेंगे कि दक्षिण भारत में संख्या काफी ज्यादा है और उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का अगर उत्तर भारत में गिने तो वेस्ट बंगाल में फिगर्स हैं, पर अभी दूसरे जगहों पे इतना बढ़ा नहीं है। इसका मतलब नहीं कि यहाँ नहीं बढ़ेगा, बल्कि किसी भी वक्त बढ़ सकता है। दिल्ली तो खैर अलग है, शहर है, पर यह मतलब है कि कहीं कहां पर कितना बढ़ेगा इसका गारंटी हम नहीं दे सकते कि पहले था अब घट रहा है इसका मतलब और नहीं बढ़ेगा, ये नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर फिगर्स को देखेंगे उससे और भी साफ हो जाएगा। तो देखेंगे महाराष्ट्र काफी आगे रहा है, इसके बाद तेलंगाना, ये एक्टिव केसेस की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, और इसके बाद अगर देखें तो उत्तर भारत में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं है, उस तरह से आपके केसेस, एक्टिव केसेस नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर दक्षिण भारत में काफी केसेस निकल चुके हैं। पर ये मतलब नहीं है कि उत्तर भारत में फैलेगा नहीं, क्योंकि वहां पहले भी कुछ जगहों पर फैला है और किसी भी वक्त वो चीज वापस आ सकती है। यही अमेरिका के केस में हम देख रहे हैं, यूरोप में भी देख रहे हैं, इसीलिए कोई इसमें हमारी कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ फिर नहीं फैलेगा। मैं इसलिए दो चीज इसके आपके सामने रखना चाहूंगा, एक तो ये है कि हमारे यहाँ पर एक कोविड फैटीग भी है,
लोग कह रहे बहुत हो गया, होने दो, देखी जाएगी। और मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बरकरार रखना, ये जो कहते सुपर स्पीड स्प्रेडर इवेंट, इकट्ठा क्लोज डोर में न होना, ये सब हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। अब दो खबर आपको देना चाहते हैं, एक तो है कि वैक्सीन की और दूसरी दवाइयों की। अभी वैक्सीन ट्रायल्स बहुत जगहों पे चल रही है, उसमें कुछ जगहों पे वैक्सीन ट्रायल्स रोक दी गई है क्योंकि कुछ उसमें एक दो केसेस ऐसे आए, नजर आए, जिस पे लगा कि एडवर्स रिएक्शन हो रहा है। ये हमेशा वैक्सीन ट्रायल्स पे होता है, तो कोई अनोखी चीज नहीं है, ये तो होता रहेगा। इसीलिए सेफ्टी ट्रायल्स की जाती है, क्योंकि जो आपके 30-40 हजार लोगों को वैक्सीन अगर देते हैं तो उसमें से एक दो को असर पड़ेगा, इसलिए नहीं कि वैक्सीन की वजह से, और किसी वजह से भी बीमार पड़ सकते हैं। पर क्योंकि वो वैक्सीन ट्रायल में है, इसीलिए जरूरत यह है कि शनाख्त करना कि वैक्सीन की वजह से हुआ या और किसी वजह से हुआ। तो ये तो चल रहा है, जॉनसन एंड जॉनसन का ट्रायल इस वक्त रोक दी गई है। पर वैक्सीन ट्रायल्स पे सबसे बड़ी बात जो ये है कि कैसे की जाएगी, कौन कर रहा है, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, कितनी रिलायबल है ये, और इनको कब डोज दिया गया, कब उसकी एंटीबॉडीज टेस्ट किया, कब उसकी आप रिपोर्टिंग करेंगे दूसरे डोज देने के लिए। ज्यादातर वैक्सीन इस वक्त 2 डोज वैक्सीन है। इन सब के लिए कम से कम हिंदुस्तान में चल रहे वैक्सीन ट्रायल्स के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है। और सरकार की ये जो कोशिश है कि खबर को बाहर ना रखने देना, उसको ढक के रखना, उसको बताना नहीं, जो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, उसकी काफी अभाव देखने को मिल रहा है। और अभी तो कम से कम हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किया, पर अभी भी वैक्सीन ट्रायल्स पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन कब कैसे ये ट्रायल्स की जाएगी और इसकी जांच कौन करेगा कि ये सचमुच ये रिजल्ट सही है, कौन सी लेबोरेटरीज है जिसपे रिजल्ट देखी जा रही है। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने टीका दे दिया, टीका के बाद खून जांचनी पड़ेगी ये देखने के लिए एंटीबॉडीज उसमें पैदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वैक्सीनेशन का मतलब तो ही है ना। तो ये जो चीजें है, ये अगर वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, हार्ड एविडेंस के जरिए नहीं होगा, तो वैक्सीन बैकफायर कर सकता है, क्योंकि ये हो सकता है वैक्सीन से प्रॉब्लम्स हो। इससे ज्यादा संभावना ये है कि वैक्सीन नाकाम हो, इसीलिए वैक्सीन के ऊपर लोगों का विश्वास उड़ जाना। बिहार के गया जिले में अगरबत्ती उद्योग में काम करने वाले लोग 3 तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, पहला कोरोना, दूसरा महंगाई और तीसरा सरकारी मक्कड़ जाल। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज क्लिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम गया डिस्ट्रिक्ट में हैं और हम कॉटेज इंडस्ट्री के हाल को देखने के लिए निकले हुए हैं। हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी, गया ही डिस्ट्रिक्ट में पटुआ टोली एक जगह है, वहाँ लूम एज कॉटेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी संख्या में, उस पूरे इलाके के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। आज हम आपके लिए दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री का क्या हाल है यहाँ पे उसको बताते हैं। हम अभी गया बौद्ध गया रोड पे ये हिंदुस्तान फ्रैग्रेंस एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो कि अगरबत्ती बनाती है, गुच्छा बनाना होता है, अगरबत्ती बांधना है आधा आधा किलो को बोला, आधा आधा किलो का ये गुच्छा बनाना होता है, इसको कार्टून में 20 किलो भरना है। 20 किलो एक कार्टून में भरने का कितना पैसा मिलेगा? एक कार्टून नहीं, डेली मतलब 300-250 का काम होता है, डेली 250-300 का काम करने पर है। अच्छा, जितना तेजी कर लीजिएगा उतना है। जितना अच्छा बत्ती निकलता है अच्छा काम होता है, रद्दी बत्ती निकलता है थोड़ा कम होता है। क्या इसका रेट क्या होता है, कैसे मिलता है पैसा? 45 के बोली से, मतलब 45 एक बोरा पर 45 रुपये, एक बोरा पैक कीजिएगा तो 45 जी सर। अच्छा, एक बोरा में कितना वैसा गुच्छा होता है? 40 किलो। 40 किलो जी सर। और ये एक गुच्छा कितने किलो का होता है? ये जो है सहजे सर, ये आधा किलो होगा, बगैर अंदाज के है। अच्छा, आधा किलो के आसपास होता है। वैसा ऐसा आपको 80 गुच्छा बनाना होता है, तो एक बोरा हो गया। क्या नाम है आपका? तो ये कर क्या रही हैं आप? ये तेल है जलाने के लिए, जो इसे लगाते तो जल जाता तो बत्ती ठीक है, नहीं जलता है तो समझिए बत्ती खराब।
हरिओम कुमार। हरिओम जी, क्या कर रहे हैं ये? अगरबत्ती का वार्निंग कर रहे हैं। हाँ, अगरबत्ती का वार्निंग कर रहे हैं। अच्छा, जला के चेक कर रहे हैं कि तेल डबाने के में डुबाने के बाद अगर ये जल गया तो ठीक है, ठीक बना हुआ है और नहीं तो खराब है। लॉकडाउन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे खर्च चला लॉकडाउन में? कितना महीने का खर्च है आपके फैमिली का? कितना खर्च है? कम से कम 15,500 रुपया डेली। हम लोग के तो खेती बाड़ी है नहीं, डेली कमाना है, डेली खाना है। तो दाल भात तरकारी सब्जी अच्छा से खाइएगा तो 500 रुपया तो खर्चा ही खर्चा। अच्छा, अगर उसमें मीट मछली खाइएगा तो 200 रुपया और बढ़ गया, 600-700 रुपया डेली। तो ये लॉकडाउन में कैसे ये खर्च निकला? कैसे खर्च निकला? मांग चांग के खर्चे निकले, कुछ मदद से निकला, कुछ दो पैसा रखे हुए थे उसमें से खर्चा निकला। जब बड़ा बड़ा आदमी कुछ चौर दाल बाटा, महल्ले का आदमी, आसपास का आदमी, उसी से चला। दो पैसा काट के रखे वो भी मिला जुला खा लिए। तो जो बचा के रखे सब खर्च हो गया। तो क्या, लॉकडाउन में भूखे मरते हैं? कोई देखने वाला तो था नहीं, कोई आने वाला तो था नहीं, कोई देने वाला तो था नहीं। यहाँ कोई देगा 500 रुपया, मोदी दिया तो 500 रुपया में क्या होगा? एक दिन का खर्चा भी ना हुआ। आपकी उम्र अभी काम करने की लग नहीं रही, अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। क्या मजबूरी हुई कि आपको ये काम करना पड़ रहा है? घर में कुछ प्रॉब्लम के कारण काम करना पड़ा। क्या प्रॉब्लम है घर में? जैसे अब्बू के मेरे बहुत तबीयत खराब रहते हैं। अच्छा। इसलिए ऐसे घर में कोई काम, मेरा भाई एक छोटा भाई है वो कुछ करता नहीं है और वो भी पढ़ रहा है, और मेरे अब्बू हैं उनका तबीयत खराब रहता है तो घर को प्रॉब्लम की वजह से काम करना। इसलिए आपको काम करना। आज के डेट में बिहार में अनपढ़ लोग भी बहुत ज़्यादा, पढ़े लिखे भी अनपढ़ से भी बेकार हो चुके हैं, वो भी पढ़े लिखे डिग्री छिपा के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, रोजगार है कहाँ बिहार में? GST के आने से पहले हम लोग को GST सेल टैक्स में हम लोग का पहले जो था बिहार का सेंट्रल से हम लोग का जो भी था पहले हम लोग का माफ़ था। पूजा सामग्री में जितनी भी थी उस पर टैक्स नहीं था। अगरबत्ती, आपका धूप बत्ती जो भी है, इस तरह से पूजा सामग्री जितनी भी चीज़ें, GST में इसको 5% शामिल किया गया। मगर इसको अगरबत्ती को भी छूट दे देना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। लेकिन आपको लगता नहीं कि GST से आपको नुकसान नहीं है? आप रॉ मटेरियल GST पे करके लाते हैं, ठीक है? आपने प्रोडक्शन किया, जब आप अपने प्रोड्यूस को मार्केट में बेचते हैं तो उससे तो आप GST ले ही लेते हैं। तो आप ले लेते हैं। मेरे साथ क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था ITC का, मंगलदीप ब्रांड आती है। मेरी जितनी भी परचेजिंग थी हम लोग का, परफ्यूम 18% पे, डब्बा 12% पे, इसी तरह से परचेजिंग में GST हम लोग को गवर्नमेंट से लेना पड़ता था। पाँच अगरबत्ती में से जो सेल है वो 5% है। तो हमारे क्या होता था कि हर महीने मेरा 5-6 लाख रुपए स्टॉक हो जाते थे। फिर से आप इसको समझाइए, आप जो रॉ मटेरियल ले रहे हैं उस पे आप ज्यादा GST पे करते हैं? ज्यादा GST पे करते हैं। जब आप फाइनल प्रोडक्ट बेचते हैं 5%, तो उस पे 5% तो ये जो डिफरेंस आ गया ये गवर्नमेंट के पास मेरा जमा होता है GST डिपार्टमेंट में। इसका समझिए, जब स्टार्टिंग GST आई तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के पास ये सिस्टम नहीं था। बेंगलोर वगैरह में सारे लोग को रिटर्न मिला, जो भी ये सिस्टम था सबको वापस मिला। यहाँ पर भी बोला गया जो आपका पैसा एक्स्ट्रा निकलेगा वो आपको मिलेगा वापस। इस प्रोसेस को हमको समझिए कि करते करते 1 साल पक्का लगा। 1 साल में उसमें हमको 5% खर्चा करना पड़ा। आपका जो बैलेंस है जो जमा हुआ, मेरा 1.5 करोड़ रुपये जमा हो गया था GST में, उसको निकालने के लिए हमको 5% इसको देना पड़ा, तब ये पैसा निकला है। तो फिर हमको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कहाँ पे है? अगर गवर्नमेंट का अगर पैसा आपके पास निकल रहा है तो आपको जमा करना है। अगर आपके पास गवर्नमेंट का जमा हो जाता है तो आपको उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट को फिर तो वहाँ पर जितनी इम्प्लॉय उसको खर्चा कीजिए आप, जितनी भी डिपार्टमेंट हैं। ये मेरे साथ बीत चुका है, ये है सिस्टम। तो आपने ये पूरी कहानी देखी कि कैसे एक अगरबत्ती तैयार होती है। ये जो अगरबत्ती की इंडस्ट्री है ये बिहार में कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में है, लघु उद्योग में आती है। और इसमें जो एक सबसे अच्छी और रिमार्केबल चीज़ दिखी, ये पूरी इंडस्ट्री में प्रीडोमिनेंटली औरतें काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं। ये सारी वो महिलाएं हैं जो ज़्यादातर
जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, इसमें कुछ बच्चियां भी हैं जिनके घर में परेशानी इतनी ज़्यादा है कि घर में उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छाई ये है कि इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं काम करती हैं और जो अपने घर के खर्च हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो एक और जो चीज़ सामने निकल के आई वो ये है कि लॉकडाउन ने हर और जो बात सामने निकल के आई वो ये है कि लॉकडाउन ने हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री को भी बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। जो लोग यहाँ काम करते थे उनको घर में, चूँकि ये फैक्ट्री बंद हो गई, तो फैक्ट्री बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो इसमें जो काम करने वाले लोग थे उनको घर में बैठना पड़ा। बिना, चूँकि फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन नहीं है, तो उनको सैलरी भी नहीं मिली, उनका काम भी नहीं हुआ, सैलरी भी नहीं मिली, तो बड़ी मुश्किल से ये जो लॉकडाउन का पीरियड है वो गुजरा। तो इस तरह से जो ये एक एक स्टोरी हमने आपको पटुआ टोली से लूम इंडस्ट्री की दिखाया था कि किस तरह से पावर लूम इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो भी एक कॉटेज इंडस्ट्री थी। और दूसरी कॉटेज इंडस्ट्री ये अगरबत्ती की कॉटेज इंडस्ट्री है जो जिसके लिए ये जो गया शहर है वो जाना जाता है। लेकिन हर इंडस्ट्री, हर छोटे लघु, हर लघु उद्योग की तरह इस इंडस्ट्री के भी अपने चैलेंजेस हैं। और बात करके यही पता चला ओनर्स से, वर्कर्स से और जो लोग इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं उनसे बात करके यही पता चला कि इनको किसी तरह की सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी ज़रूर देखें। Facebook, Instagram और Twitter पे हमें फॉलो भी करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।